हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो व्लॉग हम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, क्या पर्पस है, आपने टाइटल और थंबनेल देख करके भी पता कर लिया होगा कि किस लिए पर्पस है। अब हीरो आप बताओ फटाफट से, चलो बताओ कि ये कौन सा लड्डू हम लोग बनाने जा रहे हैं आज। गाइस, ये लड्डू जो है ना, तो मतलब हर अलग अलग जगह के अलग अलग मतलब नाम से जाने जाते हैं। पता नहीं हमारी यूपी, मतलब हम यूपी में जैसे कि हमारे यहाँ जो जानते हैं उसे सिठोरा बोलते हैं कुछ लोग, और कहीं कहीं गोंद के लड्डू बोला जाता है, कहीं कहीं सोठ के लड्डू बोलते हैं इसको लोग, कहीं आफ्टर डिनर लड्डू बोलते हैं, मतलब जो भी है लड्डू लड्डू तो लड्डू है। तो वो वाला लड्डू आज जा रहे हैं बनाने, और कैसे आता नहीं है लेकिन फिर बनाने जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ट्राई होने जा रहा है, देखते हैं कि लड्डू बनता कैसे है, और वो भी फर्स्ट टाइम ही बनाएंगे। अच्छा बनता है, ख़राब बनता है, क्या होता है, फिर ज़्यादा नहीं बनाया जा रहा है, कि पहले थोड़ा ही बनाएंगे, अगर सही बना अच्छा बना तो फिर नेक्स्ट फिर बनाएंगे, लेकिन अगर अच्छा ही नहीं बना तो फिर सब बेकार जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा बना रहे हैं। और कैसे क्या क्या उसमें डालेंगे, जैसे जो भी होगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा शूट करके आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और ये कौन बनाएगा, ये बनाएंगे हीरो और साथ में ईशु भाभी, दोनों लोग मिलके साथ में बनाएंगे, क्योंकि बेबी को भी एक लोग को देखना ज़रूरी है। तो मैं तो भाई अपने डुकू बेबी को ही देखूंगी, तो मैं इनके साथ रहूंगी, और आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो भी होगा जो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर सकूंगी, क्योंकि इनको भी हैंडल करना होता है, देखना होता है, तो वो भी मैं आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए, जैसे जैसे जो भी प्रोसीजर होगा वो आप लोग साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिए कितना तेज वीडियो बना रहे थे, ये तो हंसने लगा है, बड़ा चालाक है। अभी कितनी तेज गुस्सा कर रहा था जब ईशु ऐसे कर रही थी, गुस्सा अब हंस रहा है, इसको पता चल गया कि वीडियो बना रहे, बहुत चालाक है ये। वीडियो बन गई थी वीडियो में बहुत चालू है ये बदमाश, आराम से बोल। हाँ, अब और हंस रहा है के लिए। इसको पता चल गया कैमरा ऑन हुआ है, अब कैमरा ऑन हो गया, देख लिया, अब तो देख लिया, अब तो मुंह छुपा रहा है। गलत बात। ओ, क्या हो रहा था, गलत बात मेरी। अब तो एंग्री बर्ड बने हुए थे, स्माइली बर्ड बन गए। गाइस, ये एलसीए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये भुन चुका है इधर का, yes। और ये थोड़ा सा बस, ये भी भुन चुका है लगभग, ठीक है। अब इसको खाली करेंगे, जैसे कि आपको क्वांटिटी बता दें तो ये है लगभग 800-750 ग्राम के करीब है। और जो कि सारे मसाले, मतलब मसाले कह सकते, सब कुछ मेवा कह सकते हैं। ये कितना है बेटू, 250 ग्राम 250 ग्राम है बादाम, 250 ग्राम है छुहारा, 250 ग्राम नारियल, और चिरौंजी 200 ग्राम, और ये गोंद 250 ग्राम, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम अपना ये क्या बोलते हैं, अजवाइन ना, अजवाइन, और 250 ग्राम काजू, थोड़ा सा ऊपर से हमने डाल दिया ये क्या कहते हैं अखरोट, और 200 ग्राम हल्दी है, इसमें हल्दी खड़ी वाली ही डालते हैं, प्योर हल्दी के लिए 200 ग्राम, ये सोंठ, ठीक है, मतलब ये अदरक होता है, अदरक जब सूख जाता है तो सोंठ हो जाता है उसका पाउडर, ठीक है। ये होता है क्या, पुस्तक दाना, ठीक है, लोग कुछ लोग खसखस भी बोलते हैं, ठीक है। ये है, और ये है मखाना, ठीक है, और मखाना, और ये है किशमिश 250 ग्राम, इतनी चीजें पड़ेंगी, घी, प्लस इसमें घी है, और हमने गुड़ की जगह खांड इस्तेमाल की है, ये खांड गाइस, ये किशमिश है, जैसे कि आपने देखा जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे, वो भी हमने, अब जैसे कि ये फ्राई हो गया है, फ्राई कर लिए हैं, छुहारे फ्राई हो गए ना, छुहारे फ्राई कर लिए हमने, काजू बादाम, अखरोट, ये क्या है, चिरौंजी, नारियल, खसखस, मतलब ये खसखस का जो भी है ये सारे हो गए, ये भी है, ये क्या है, पोस्तादाना ना, पोस्तादाना ये भी हो गया ना, फ्राई, खसखस इसी बोलते हैं, ये सब, मतलब ये सारा कुछ फ्राई हो गया है ना। अब लास्ट बचा था किशमिश, अब सबसे मेन है पूरा एक एक करके हर एक चीज क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि उधर मेरे को डुगू को देखना पड़ता है, उधर लगी हुई हूँ, इस वजह से मैं पूरा अच्छे से जो हो रहा है छोटे छोटे क्लिप। अब जब ये सब कुछ बनाएंगे तो आपको बता भी देंगे कितनी क्या क्या क्वांटिटी इन्होंने लिया था हर एक चीज़ की, जब वो क्या कहते हैं लड्डू, आप सामने से आकर के आपको सब कुछ गाइड कर देंगे क्यों, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें क्या क्या मिक्स किया, मेवा है ना सारे, मेवा और ये खसखस, हाँ, ये अलसी है, अब सब एक में मिक्स कर रहे हैं ना, ड्राई फ्रूट जितने सारे एक में गए,
ठीक है, ड्राई फ्रूट सब एक में चले गए, सारे एक में गए, फिर उसके खसखस गया, उसके बाद ये क्या था, अलसी, अलसी और ये आटा, ये आटा, ये आटा है, अच्छा ये आटा हो गया, और वो गोंद है ना जो ये कर रहे हैं, गोंद इसमें है, धनिया, मेथी, अजवाइन, गोंद, सौंठ एक में है ना, अब ये सब एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा, मतलब सब एक साथ मिक्स करके हो जाएगा कम्प्लीट। खांड डाली है, अभी खांड बाकी, हल्दी बाकी है, क्या इसमें डल रहा है, सब हो गया ना, खांड है, खांड खांड डल रही है, बस खांड ना, खांड खांड अभी डल रही है, अब ये हो जाएगा सब मिक्स, तो मिक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे, मिक्स होने के बाद लड्डू बना देंगे, हो गया लड्डू का काम देंगे इसमें, यस ये मिक्स हो रहा है दोनों हाथों से, नहीं चार हाथों से मिक्स हो रहा है, चार हाथों से मिक्स किया जाता। अब इसमें डल रहा है घी बांधने के लिए ना, ये देखिए गाइस फाइनली लड्डू जो है वो हो गया है रेडी, ये देखिए ये और ये, और इसको पूरा बनाने में गोल गोल गोल, कल रात में बनाते बनाते ही ऐसे ही 12 ही बज गए थे, उसके बाद रख दिया गया था, जो इस वाले में है वो पहले बन गया था रात में, और इसमें का भी हीरो बनाए हैं, और ये जो पूरा गोल 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 बनाए हैं ना अकेले बनाए हैं, कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर फिर लेट भी हो गया था, तो भाभी चली गई थी ऊपर, तो क्योंकि उनको भी खाना ना करना था, तो फिर अभी सुबह वो ऑफिस चली जाती हैं, तो अकेले इन्होंने पूरा ये अकेले बनाया है, अब देखते हैं खाने के बाद खाने में कैसा लगता है, अभी तो खाया नहीं है, सिर्फ भगवान जी को चढ़ाया गया बस। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा लड्डू बनके रेडी हो चुका है पूरी तरह से, काफ़ी कुछ रात में बनाया, काफ़ी कुछ फिर उसका मतलब आधा बनाया था रात में, बनाया था रात में, उसके बाद फिर नींद बहुत ज़्यादा आने लगी, तो फिर ये हुआ चलो रख देते हैं, क्योंकि भाभी चली गई थी उस टाइम, तो लड्डू हमने ही बांधा था पूरा, उसके जो मतलब कि जो लड्डू का आकार मतलब शेप देते हैं जो उसको शेप देना था वो हमने ही किया था, तो भाभी चली गई, क्योंकि भाभी थक चुकी थी, तो वो चली गई थी नाइट में, तो हमने हाफ बना लिया था, फिर मॉर्निंग में उठ के हाफ उसको बना दिया, कंप्लीट कर दिया था लड्डू, लड्डू बनके रेडी हो चुका है गाइस, जैसे कि आप लोग भी देख लीजिए लड्डू बन गया है, रेडी हो चुका है, अब इसको टेस्ट करेंगे हम कि टेस्ट कैसा है इसका, बाकी आप लोगों के साथ वीडियो जो भी बेटू ने रिकॉर्ड किया होगा वो क्लिप तो आपको मिल ही जाएगी, हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया, बस हम तो बनाने में लगे हुए थे, रही इंग्रेडिएंट की बात, जो हमने आपसे कहा था कि जो भी इसमें जो भी प्रोडक्ट जो भी आइटम हमने यूज किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, तो गाइस हमने यहाँ पर यूज किया था जो कि 700 से 800 ग्राम के करीब अलसी था, उसको यूज किया था, और यहाँ पर हमने गुड़ की जगह लिया था, खांड ही इस्तेमाल किया था, खांड के साथ साथ हमने गुड़ भी डाला था, लगभग 1 kg खांड, 3 kg था, 3 kg खांड थी, उसके बाद 1 kg गुड़ था, उसमें गुड़ भी डाला था, लास्ट में हमने डाला था गुड़, क्योंकि उसका शेप सही नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से हमने, क्योंकि खांड जो थी वो बहुत भरा थी, मतलब भूरा भूरा टाइप का था, इसलिए वो मतलब बन नहीं रहा था पूरे अच्छे से, सेप नहीं हो पा रहा था, तो उसमें बाद में हमने घी भी ऐड किया था, लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड किया था कि थोड़ा सा अच्छे से बंध जाए, बस मेन क्या है लड्डू का आकार नहीं बन रहा था, सेप नहीं हो रहा, तो उसके भी फर्स्ट टाइम था, हमने कभी ट्राई नहीं किया था, तो बस एक था जोश था, कैसे देख रहा है, जोश था, एक्साइटमेंट था कि चलो ट्राई करते हैं, डुगी भी हमारा बहुत ध्यान से सुना है कि मैं क्या बोल रहा, डड्डू क्या बोल रहे, कोई बोलता रहता उसी को देखता, इन्हीं को देखे बड़ा उसमें, उसके बाद फिर हमने उसमें 250 ग्राम सारे मेवे लिए थे, मेवे में हमने यूज किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा उसमें हमने नारियल डाला था, 250 ग्राम नारियल था, 250 ग्राम मखाना यूज किया था, 250 ग्राम मखाना तो लाया था लेकिन 250 ग्राम हमने प्रॉपर यूज नहीं किया था, उसमें हमने 200 ग्राम यूज किया था, क्योंकि मखाना वो काफ़ी क्वान्टिटी में काफ़ी ज़्यादा लगने लगा था, 250 ग्राम उसमें आपका फिर गोंद था, जो गोंद होते हैं काजू बादाम चिरौंजी सब कुछ, हाँ काजू बादाम किशमिश चिरौंजी मतलब सभी आइटम डाले थे, जो भी हो सके मतलब कि जो भी अच्छा लगता था मुझे ये डालना चाहिए वो सारी चीज़ें ऐड किया था, और उसमें 200 ग्राम हमने ऐड किया था मेथी दाना, मेथी दाना डालने से बेटी को थोड़ा कड़वा लगने लगा था, सौंठ डाल दिया था 200 ग्राम, सौंठ तो 200 ग्राम हमने डाली थी,
ये सारे मेवे हमने यूज किए थे, और उसको यूज करने के बाद इनको हमने सबसे पहले क्या किया था, फ्राई किया था। जैसे आप लोगों ने देखा था वीडियो में देखा ही होगा कि अगर बेटू ने रिकॉर्ड किया होगा तो नहीं, मैंने किया था घी में फ्राई किया था। घी में हमने सभी को सभी जितने थे देसी घी में इस्तेमाल किया था, और देसी घी तो था ही लेकिन उसके साथ साथ मतलब प्योर घी था वो, उसमें हमने सभी को फ्राई किया था। देसी घी था, प्योर घी था, ये क्या होता है, शुद्ध घी था, शुद्ध देसी घी का, शुद्ध देसी घी वो भी एक लग गया था, उसके अलावा जो घर में यूज होता है उसको भी पूरा लग गया, दो लगभग दो किलो घी यूज हुआ था उसमें। लेकिन हमने जो कि हमने भी एक किलो सोच के लाए, क्योंकि हमें कुछ खुद आइडिया नहीं था कि जो कि कितना यूज होगा। हमने भी वीडियो किसी के देखा था, हमने वीडियो सुना था, और हमने घर पे भी पूछा था, बुआ से भी पूछा, मतलब कई लोगों से पूछ के तब हमने जाके बनाया था कि कैसे बनता है, उसको ट्राई किया था पहली बार, एक्साइटमेंट थी, अच्छा लगा बनाने में। खाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है टेस्ट, जैसे कि मैंने खाया मुझे अच्छा लगा। खा के दिखाओ। बेटू को थोड़ा सा कड़वा लगा था, हाँ बेटू को थोड़ा सा कड़वा लगा था, पहली बार लगा था थोड़ा, फिर अब लगता है लेकिन उतना नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा पहली बाइट जब लेते हैं ना तब थोड़ा सा लगता है, पहली बाइट। मैं खाऊंगा बोलूंगा अब मत खाओ। तो गाइस यही रही हमारी लड्डू की कहानी, लड्डू बन के रेडी हो गया। सबसे खुशी तब हुई जब इसको बेटू ने खाया, तब अच्छा लगा, चलो यार कि कमीशन काम है, मेहनत रंग लाई। अगर बेटू पहले मैं कहती थी नहीं खाऊंगी, बेटू ने एक लास्ट मोमेंट पे जब उसको टेस्ट कराया गया था तो थोड़ा कड़वा ज्यादा था, कड़वा ज्यादा था क्योंकि उसमें मीठा कह सकते कम था या कुछ भी था, वो कड़वा बहुत ज्यादा लगा। गुड़ मिला बेटू को टेस्ट कराया था तो बेटू ने कह दिया कि ये यार अब तो हम नहीं खाएंगे। तब मैंने सोचा यार मेरी मेहनत बेकार गई, सामान तो चलो ठीक है गया गया, बट मेरी मेहनत खराब गई सबसे ज्यादा। और बनाया भी इनके लिए था मैंने स्पेशल, ये कहीं नहीं मेरे घर वालों जैसा नहीं है, जैसे पहले था वो ऐसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, हम कह यार मेरे जैसे बने मैंने वैसे बनाया, खा लेना खा लेना, कहीं नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में गुड़ ऐड किया, थोड़ा घी ऐड किया, तो जाके अच्छा लगा टेस्ट, तो बेटू उसके बाद खाने लगे। अभी भी है फिलहाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन कड़वा है तो अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा मेथी दाना है वो अच्छा है, फायदा बहुत अच्छा का। और सबसे मैंने दूध के साथ ले लेते उतना नहीं पता सर। तो अब बेटू खाने लगी है, मतलब बेटू खाती है तो उसको अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो थैंक गॉड मेरी मेहनत रंग लाई। उसके बाद जब मॉर्निंग में खाया बेटू ने, कहा हाँ ठीक अब अच्छा लग रहा है, तो लास्ट में जब नाइट में चेक करा था बेटू ने मना कर दिया था, वो भी कह रहा हूँ। तो गाइस बस यही रहा लड्डू, आप लोग बताइएगा लड्डू मतलब कैसा लगा आप लोग फिलहाल, कैसे लगा खा के, थोड़े खा के तो हम ही खाए हैं ठीक है, देख हाँ, मतलब सही हमने बनाया है गलत बनाया है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी को पता है कि ऐसे नहीं ऐसे, जिन तो लोगों वो बताइए, पता है जिन लोगों को पता है वही गाइड कर सकते हैं। तो लड्डू कैसे बना था वो बताइएगा, जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे तो वो सही थे या गलत थे, मतलब क्वांटिटी सही थी या गलत थी, तो आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम फिर ट्राई करेंगे एक बार, जरूरी नहीं बस पूरा किचन को देख के मैं तहस नहस हो गई थी किचन, चलो बस नहीं एक बार जरूर ट्राई करेंगे, एक बार तो ट्राई करेंगे कब, जब इनके मैं बताऊंगी जीजू आएंगे तब, नहीं अब मैं बताऊंगी कि कैसा बनाना है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह वीडियो में जुड़े रहे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। डुगू बेटा, हाँ डुगू आप भी बोल रहे हो, हाँ अपना ही नाम बोलोगे आप, हाँ बाबा माची करते हैं आप ना, आपको करता है आप नहीं करते, हाँ हाँ अच्छा जी मम्मा को मारते हैं, हाँ अच्छा जी मम्मा की पिटी करते हैं आप, आपको हाँ क्या आप नहीं करते, आपको करते हाँ हाँ क्या है बहुत माची कर रहा है, हाँ मम्मा की पिटी कर रहा है, हाँ पैसे हाँ हाँ अच्छा जी डुकू की पिटी होगी अब, हाँ होती हो बेटी की होती जी की ऐसी पिटाई करते हैं कहीं मम्मा की, हाँ 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 कौन मार रहा है, कौन मार रहा है मम्मा को, हाँ कौन मार रहा है, आप मार रहे हो, डुगू मार रहा है आपको मार रहा है, अच्छा जी डुगू नहीं मार रहा है आपको मार रहा है, बहुत सही छिटानी आपको, लो नाम अग्गू का लगा दीजिए, हाँ हाँ क्या क्या है, हाँ हाँ क्या मम्मा की पिटी कर दी डुगू ने, और तेरी मार दिए।
डैडू कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, डुगू पिटाई कर रहे हैं। हाँ और छापे बुला रहे डैडू। कहाँ कूद रहा है ये बच्चा? हाँ अच्छा जी, आप खेल रहे हैं, खेल लीजिए फिर। डुगू खेलता है जी? हाँ ये डुगू खेलता है। हाँ अच्छा ठीक है भाई, खेल लीजिए। डुगू दिख गया, आले लाम ने डुगू दिख गया। हाँ इसीलिए आपसे छुपा के करते हैं बेटा, वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि अब आप देखिए कितने सीधे साधे बच्चे बन जाते हैं, है ना? कैमरा देखते ही सीधे साधे बच्चे बन जाते हैं, कोई शैतानी नहीं होती, मुंह बंद कर लेते। हाँ अच्छा पता है, बहुत नौतंकी बाज है आप।